हेलो ब्यूटीफुल दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज अच्छे होने वाले हैं वो दोस्त जिनको मेकअप लुक अच्छी लगती है और जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है मेकअप वाली। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये ब्यूटीफुल मेकअप लुक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी है, क्योंकि मैं कूल टोन्स के साथ बहुत ज़्यादा कम प्ले करती हूँ, पर जब करती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और आपको वो लुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने ये लुक क्रिएट की है जिसको मैं बहुत अडोर कर रही हूँ इस समय। उम्मीद है कि आपको भी ये लुक अच्छी लगेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लुक को कैसे क्रिएट करना है तो जल्दी से इस वीडियो को देखते रहें, पर देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें ताकि हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम जल्दी से वीडियो शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ दोस्तों को मेरी बहुत ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता है। ये हम यूज़ करने वाले हैं मॉर्फी ब्रशेस की पैलेट जो है 35P, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड्स हैं। और आज मैं ट्राई करना चाहती हूँ थोड़ा डिफरेंट लुक, सो हम इसी से प्ले करेंगे आज। सम बिग फ्लफी ब्रश लूँगी मैं, और ये जो बहुत ही लाइट किस्म का शेड है इसे मेरी क्रीज एरिया में लगाऊंगी मैं, ताकि ये हमारी ट्रांजिशन कलर का काम करे। आई नो ये आप इसको देख नहीं पा रहे हैं, पर यस ये वहीं पे है और हमारी हेल्प करेगा लेटर। ओके, अभी मेरे दिमाग में कोई ऐसी लुक नहीं है जो मैं रियल में क्रिएट करना चाहती हूँ, लाइक ऐसा कोई विजिबली मुझे दिख नहीं रहा। सो अब मैं यूज़ करूँगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड जो पीची एंड पर्पली सी वाइब देता है। फ्लफी ब्रश पे लिया है मैंने इसको, और हम इस कॉर्नर से शुरू करेंगे और इसे धीरे धीरे हमारी क्रीज एरिया में ब्लेंड करना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्पल शेड है। अगले शेड के लिए हम ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेंगे। दिस शेड जो काफी अच्छा प्लम किस्म का थोड़ा डार्किश है, इसे मैं ले रही हूँ छोटे ब्रश पे, जो कि है मॉर्फी M321। इस तरह का दिखता है, ताकि जो मैं शेड लगा रही हूँ बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं फैले। हम सबसे पहले इसे प्लेस करेंगे कॉर्नर में, क्योंकि हम इस कॉर्नर को डीप करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो इसी तरह हम दूसरी साइड करेंगे। सो वंस आई एम गुड एंड हैप्पी विद द पिगमेंटेशन, अब मैं पहले वाला ब्रश लूंगी और इसे बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करना शुरू करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये कलर बहुत ज़्यादा मेरी इनर क्रीज में आए और पैची सी लुक दे, क्योंकि वो ऐसे देता है। सो इसे हम बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड करते रहेंगे हमारी आई में। सो वंस वी आर गुड एंड हैप्पी कि हमारा ये जो शेड है बिना किसी हार्श लाइन के ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसे और डीप करेंगे। मुझे लगता है कि ये शेड उससे ज़्यादा डीपर है, सो हम इसे यूज़ करेंगे हमारी क्रीज में। और जब मैंने अच्छा प्रोडक्ट ले लिया, इसको डैब कर दूंगी ताकि मेरे चेहरे पे नहीं गिरे। प्लेस करेंगे इस एरिया में। जो ब्रश हमने अर्लियर यूज़ किया था उसके साथ हम इसे फिर क्रीज की तरफ ब्लेंड करेंगे। मैंने इसको बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर दिया है, पर अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को मास्क कर सकते हैं तो टेप यूज़ कर लें। पर जब मैं टेप यूज़ करती हूँ, समटाइम मैं करती भी हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत ही प्रिसीजन दिखनी चाहिए मेरी आँख, पर जब मैं टेप यूज़ करती हूँ, जब मैं उसको रिमूव करती हूँ, तो मुझे ये एरिया बहुत फेक लगता है, लाइक अजीब लगता है समटाइम, पर कई लुक्स के लिए वो परफेक्ट लगता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको यूज़ करनी है तो डेफिनेटली करें। पाउडर लगा रही हूँ यार मैं, पहले लगाना चाहिए था, किसी भी मैस्क को हम क्लीन कर पाए लेटर। ये काम पहले कर लो दोस्तों। सो ब्लेंडिंग को जारी रखा जाएगा काफी ज्यादा देर तक। साथ में लगाने वाली हूँ शेड मेरी आईलिड पे, उसे मैं डार्क करने वाली हूँ। इससे मैं लगाऊंगी मेरी लिड एरिया में, जिसको हमने अर्लियर खाली छोड़ दिया था। फिर से फ्लफी ब्रश लिया जाएगा और ब्लेंड किया जाएगा इन शेड्स को। ब्रश पे मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डार्क शेड है। काइंड ऑफ लुकिंग वियर्ड, क्योंकि मैंने मेरे आईब्रोज को फिल करना भूल चुकी हूँ। सो आईब्रोज को फिल कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर वो व्यू आ जाए कि अहीं करना की जानते हैं जिंदगी। जिंदगी उलझी हुई लगती है बिना आईब्रोज के। सो वंस आई एम डन, अब मैं एंगल ब्रश यूज करने वाली हूँ। ओके सो दिस इज डन, अब हम हमारे फेस से पाउडर को रिमूव कर देंगे। होपफुली मैंने गंदा नहीं मचाया होगा, पर पाउडर आप मेकअप की शुरुआत से पहले लगा लें ताकि मैस कट हो। बारी आती है लोअर लैशेस पे थोड़ा सा काम करने के लिए। सो हम ब्राउन लगाएंगे, पर्पल लगाएंगे, डार्क लगाएंगे, जिस मैनर में हमने 1, 2, 3 ऊपर लगाया उसी तरह हम नीचे लगाएंगे। सो जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है जो मेरे हस्बैंड ने मेरी मेकअप वीडियो पे वॉइस ओवर किया था। सो मुझे वो बातें याद आ जाती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, आपको बहुत हंसी आने वाली है, क्योंकि उनका जो वो वॉइस ओवर था वो बिल्कुल नेचुरल था, उनको कुछ भी बताया नहीं गया था। मैंने कहा कि वीडियो ऑन कर रही हूँ, जो भी आपका मन कर रहा है बोलने के लिए बोल दे रहा हूँ।
ही डिड इट एंड अपने दिल से सारे चाह पूरे कर ले उन्होंने. सो यस, वो ज़रूर देखना, आपको अच्छी लगेगी. सो मैंने ऐड किया है मेरी आँख में थोड़ा सा ब्लैक, मेरा कैमरा बंद हो गया था, आई एम वेरी सॉरी. और उसको अब हम कर रहे हैं ब्लेंड अंदर की तरफ, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी आँख थोड़ी और स्मोकी लगे, क्योंकि जितनी स्मोकी होने लग रही है कट है. सो वी आर डन विद ब्लेंडिंग, अभी भी हमारी आंख कंप्लीट नहीं लगी है. हम लगाएंगे मस्कारा एंड लश. केस हमारी जो लुक है बहुत ड्रामेटिक है, तो हम लैशेस भी ड्रामेटिक लगाएंगे. लैशेस के लिए मैं यूज करूंगी सिमोर लैशेस स्टाइल पंजाब, क्योंकि जब का एनी और ड्रामेटिक होए तो पंजाब के बिना कुछ और जचदा नहीं दोस्तों. सो मस्कारा ऊपर वाली लैशेस नीचे वाली लैशेस दोनों पे लगाएं. और आज वो वाला दिन है जब आपको ग्लिटर्स भी लगाने हैं. मैं ग्लिटर यूज कर रही हूँ जो मैंने लिए थे Amazon से, और ये जो ग्लिटर है ये है पर्पल. इससे हम बहुत ही हल्के हाथ से हमारी आंख की बिगिनिंग वाले एरिया में लगा रहे हैं. जो ग्लिटर है वो किसी भी लुक में चार चांद लगा देते हैं. अब आप पे है कितनी अमाउंट लगानी, ज्यादा लानी काट लानी, जिद्दा भी लगानी लगाओ. आज लगाएंगे काला, पर आप इसको सूखने देंगे थोड़ा, अदरवाइज फिर काले की जगह हो जाएगा काला माला. और ग्लिटर को थोड़ा सा मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी समवेयर है. अब काली नहीं मचानी है हमें, ग्लिटर को सूखने की वेट करनी, नहीं तो फिर गंद पै जाएगा दोस्तों. और बिकेस हमारी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी ड्रामेटिक हैं, तो पंजाब डिजर्व करती हैं. पंजाब बहुत ही ब्यूटीफुल लैशेस हैं, और आई लव पंजाब लैशेस मैन, आई लव देम. लुक हाउ थिक, ड्रामेटिक, अमेजिंग, 3D, मिंग, क्या क्या इसकी खूबसूरती की तारीफ करूं मैन. बहुत ही मज़ेदार लैशेस, जल्दी से खरीद लो अपने लिए. आहा, ऐसी लैशेस हैं जो आपकी किसी भी लुक को 0 to 100 पहुंचा देंगी. सो मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा. अगर नहीं पता है तो दोबारा से बता देती हूँ, simorlashes.com. 9 डिफरेंट स्टाइल है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं, ब्यूटिफुल है. जहाँ पे भी दुनिया के कोने में रहते हैं खरीद लें. और मैं ढूंढ रही हूँ कैंची इनको ट्रिम करने के लिए. चीज़ा मेरिया ना दोस्तों गुआचियाँ ही रहियाँ हैं, गुआचियाँ रहियाँ सारियाँ चीज़ा. फिर उठना पैना कुछ लबन यार मुसीबत. ओह लबी, लैशेस को ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी आंखों पे क्या जच रहा है क्या नहीं. और लैशेस को कैसे पहनते हैं वो वीडियो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने लिंक दिया है, जाके क्लिक करें देखें. और भी मैंने बहुत सारी अच्छी ब्यूटीफुल वीडियोज़ के लिंक्स दिए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो मुझे लगता है कि आपकी हेल्प करेंगी वो वाली वीडियोज़ का. और इस पर हम लगाएंगे ग्लू. और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नीचे देखते हुए क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ग्लू लगा रही हूँ मैं. ड्राई होने देते हैं उनको, तब तक हम लिपस्टिक लगा सकते हैं. लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक जिसका नाम है रेबल रोज़. ये लिपस्टिक मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत अच्छी जाएगी. अगर नहीं जाएगी तो हम इसमें रिमल लंडन का शेड मिक्स कर लेंगे तो अच्छी जाएगी. ब्यूटीफुल पिंकिश न्यूड कलर है, ब्राउन या डस्की दोस्तों के लिए. इसकी जो फिनिश है वो भी बहुत अच्छी है. मुकदी गला की थोड़ी लिपस्टिक चंगी लगूगी. सो या जो मैं फिनिश चाहती थी वो नहीं आई है. रिमल लंडन की स्टे मैट लगा रही हूँ जिसके शेड का नाम है पिंक ब्लिस. उससे थोड़ा पिंकिश हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो शेड है अकेला मुझे अच्छा नहीं लगता है. और दंडा लाला दोस्तों ड्राई होने देते. और हमारी लैशेज भी ड्राई हो चुकी होंगी. इस काम के लिए मुझे चाहिए छोटा शीशू. देखिए कितना डिफरेंस है दोस्तों. एक छोटू सा काम करेंगे, आईलाइनर लेंगे फेल्टिप वाला और हमारे इनर टियर डॉट से एक सो हमारे आईलाइनर की लुक क्रिएट करेंगे काइंड ऑफ विंग, क्योंकि ये चीज़ आपकी आई लुक में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करती है. देखने में लगता है कि नन्ही जी है पर नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा. सो मैं थोड़ा सा आईलाइनर भी विंग्ड क्रिएट कर रही हूँ सिर्फ आउटसाइड और कहीं पे भी. अगर आप समवन है जिसको आईलाइनर लगाने में डर लगता है या लगता है कि गलतियां कर देंगे तो फेल्टिप वाला लो. और जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लॉरियल पेरिस का कार्बन ब्लैक लाइनर इंटेंस ब्लैकेस्ट ब्लैक. और जे तो नहीं आंदा लगाना तो इसके साथ आप बन जाएंगे प्रो. जब मैं ऐसी लुक क्रिएट करती हूँ मुझे होता है कि मेरा जो फेस है थोड़ा ज़्यादा टोन लगे, तो मैं थोड़ा सा और मेबलिन का सिटी ब्राउनर यूज़ करूँगी इसको मेरे चेहरे को थोड़ा और कॉन्टॉर्ड काइंड का लुक देने के लिए, लाइक नोटिसेबल कॉन्टॉर्ड. भी ये कोई एवरीडे की लुक तो है नहीं कि यार नहीं थोड़ा कट, क्योंकि जब आपका सारा मेकअप इंटेंस है तो हर कुछ थोड़ा थोड़ा इंटेंस होना चाहिए, अदरवाइज ऐसी लुक आपके बाकी चेहरे को दबा देती है जो हमें नहीं चाहिए. ओके दैट्स डन. और अब ब्लश यूज करेंगे. ब्लश के लिए वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन यूज करूंगी मैं, क्योंकि ये मेरे चेहरे को अच्छा ग्लो देता है, शाइन नहीं है, पोर्स को इनहेंस नहीं करता है. और भी मिलियन चीजें हैं जो मुझे इसमें अच्छी लगती हैं. इसके कलर की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है स्माइल कलर. और मैंने नोटिस किया है कि ये जो शेड है मोस्टली हर एक लुक के साथ अच्छा लगता है. कई बार कई पिंक होते हैं जो
ब्राउन्स के साथ अच्छे नहीं लगते, पर्पल्स के साथ, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है हमारे फेस को हाईलाइट करना, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी काफ़ी अधूरी है। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर, जिसका नाम है गोल्डन किस, जायंट कंटेनर है। मुझे लगता है कि काफ़ी सदियों तक ये लास्ट करेगा जो, और हाई पॉइंट्स को करें हाईलाइट। कोशिश करें कि अगर जहाँ पे आपके चेहरे पे टेक्सचर है वहाँ पे मत करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो टेक्सचर है वो इनहेंस हो, क्योंकि यार केनू चंगा लगता है अपनी कमियाँ दसना। इन्ना लगा लें कि लोग की अन्य हो जाए। ओके, ब्रश लें जिससे आपने कंसीलर लगाया था या कुछ भी लगाया था, उससे डैब 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 करें, ताकि ये ग्लो आपकी स्किन के अंदर तक समा जाए और ऐसे लगे कि लाइक फेक तो लगेगा पर थोड़ा सा नेचुरल लगेगा। ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ ना, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कई लोग तो सुन के बोर हो चुके होंगे, पर यू नेवर नो कि आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो। और मुझे होता है कि जो इन्निया की टिप्स मैनू आंदियाँ हैं, जो कुछ मुझे पता है थोड़ा बहुत जहाँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो मैनू पता है वो तो उन्हें भी पता चले। बेस्ट फ्रेंड ऐसी चीज़ ली होंगी ना, और रोशनी कभी ज़्यादा कभी कट हो जाती है, I'm sorry। So yes, we are done। Last में हम करेंगे स्प्रे, ताकि जो हमने मेहनत की है वो ऐसे ही बरकरार रहे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन की मास्टर फेक्स, जो कि मैट फिनिश देती है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। बिकेज मेरे बालों को मैंने अभी वॉश करके स्टाइल किया है एक दिन पहला, तो मैं नहीं चाहती वो ऑयली हो, इसलिए हम लेंगे पुरानी टी शर्ट जो कि पति परमेश्वर की है, और इसे हमारे बालों को कवर करेंगे और हम बन जाएंगे हिमाचली ब्यूटी। मैंने किसी के कमेंट पढ़ा था कि मेकअप वीडियो में कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, इतनी बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सो यार दैट्स ट्रू, आई टॉक टू मच। ओके, सो नाइस एंड प्रोटेक्टेड अभी भी कमी है। नाउ आई एम लुकिंग अरब ब्यूटी। सो स्प्रे करेंगे खूब सारी ये सारी जद्दोजहद बालों की प्रोटेक्शन बचा लिया। ओ यार, क्योंकि मैं जितना भी कवर करती हूँ ना, बाल से हो ही जाता है ऑयली। चेहरे को ड्राई करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। ओके, सो वंस इज ड्राई यू आर गुड टू गो। रॉक दिस वर्ल्ड, जो करना चाहते हो करो, क्योंकि तू ही रेडी है दुनिया नू दिखाने लिए। तू ही बहुत कमाल का मेकअप कर लिया है आज। आई नो दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है, पर की करिए, अहीं ते दिखाना है ना, साड़ा तो फर्ज बनता है। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। मुझे ये लुक बहुत प्रीटी लगी है। अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो मुझे टैग जरूर करना मेरे इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। मुझे आपकी रिक्रिएशन देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, योगा इज़ अ ब्यूटिफुल just the way you are। Stay happy, confident and strong। You guys can do any freaking thing। All you have to do is think about it and take action। क्योंकि हर एक creation के लिए सिर्फ आपको एक thought create करना होता है। I love you guys so much। Bye। मैं सारा दिन ऐसे करने वाली हूँ।